नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में जो प्राचीन हमारे रीति रिवाज रहे हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, जो हमारे सदियों से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जिनके कारण हमें एक अलग पहचान बनी मिली है, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो बनाने का जो मकसद है वो तभी पूरा या कह सकते हैं कि सार्थक होता है जब आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिलता है या नॉलेज या जानकारियाँ कुछ नई मिलती हैं, तभी इस वीडियो जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा होता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस नॉलेज को आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनके पास जो जानकारियां हैं वो पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ जो प्राचीन हमारी रीति रिवाज है उनके बारे में जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटम, यानी टोटम का अर्थ है गण चिन्हवाद, यानी जो प्रतीक चिन्ह था प्राचीन, जो हमारी पहचान का एक, जो वर्तमान में एक ब्रांड, यानी कुछ जो होते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एक गूगल। गूगल एक सोशल साइट की एक ब्रांड है, उनका एक लोगो है। जो लोगो है वही प्राचीन का एक टोटम है, यानी प्रतीक चिन्ह, जिनसे हम पहचान सके कि ये गूगल है, ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, ये ट्विटर है। जैसे हमारे एनएच पॉइंट का ये लोगो है, तो उनसे ये हमारा एक टोटम है, इस यूट्यूब चैनल का टोटम है, जिनसे पहचान हो सकती है कि ये वो चैनल है, ये वो चैनल है। तो टोटम आप समझ चुके होंगे। प्राचीन में क्या होता था, जो हमारे पुरखे थे वो क्या करते थे कि अपनी ब्रांड के तौर पर पशु पक्षियों का इस्तेमाल करते, पेड़ पौधे हो गए, मछली हो गई, जीव जंतु हो गए, उनको अपना गोत्र के अनुसार अपनी ब्रांड है वो सिलेक्ट करते थे। और उनका एक नियम रहता था कि उस चीज को वो हानि नहीं पहुंचाते थे, जो उनका ब्रांड है तो उसको वो हानि नहीं पहुंचाते थे। जैसे सभी का, जो आदिवासी समाज से जुड़े हैं उनका सभी का प्रतीक है वो है टोटम है, वो है नाग है। तो नाग को आदिवासी लोग एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते, जहां तक संभव होता है वहां तक। वो हर गोत्र के अनुसार अलग अलग टोटम है। किसी का जो टोटम है, आदिवासी समुदाय के जो टोटम है वो गोत्र के अनुसार बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन टोटम के बारे में चर्चा की जाए, जो गोत्र के अनुसार टोटम बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा की जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि गोत्र के जो प्रतीक चिन्ह है, जो प्राचीन प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में आगामी जो वीडियो है वो बनाया जाए। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसकी जानकारी है वो। पांव धोना जो आदिवासियों की जो रीति रिवाज है, इसके अंदर आता है कि जो हमारी जीवन दायिनी है, जो प्रकृति है, उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उनको साफ सुथरा रखा जाए। जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है पांव धोना, जिसके अंतर हमारा जो वर्तमान की जो योजनाएं चल रही है, जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, वो इसी के अंतर्गत आता है। इसको समझना थोड़ा ये हो जाता है कि वर्तमान की जो भारत सरकार द्वारा स्वच्छता योजना चलाई जा रही है, वही प्राचीन की हमारी पांव धोना रीति रिवाज था, जिसके प्रकृति के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि जो प्रकृति से हमें जीवन मिलता है, तो उनकी प्रकृति को बचाना भी हमारा एक कर्तव्य है, ताकि हमारा जीवन है वो थोड़ा आसान हो जाए, जीना है वो आसान हो जाए, उनको साफ सुथरा रखना ही हमारा एक परंपरा।
जो पांव धोना की जो वर्तमान की स्वच्छता अभियान है वो आदिवासियों के अंदर पहले से मौजूद है, जिसका नाम है पांव धोना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। जानकारी आपको कैसी लगी? कुछ लोग कहते हैं कि जो आदिवासी शब्द यूज करते हैं तो उनको एक गिल्टी सी फील होती है, लेकिन मेरा मकसद यही रहता है कि मैं उन टॉपिक्स को लाऊं जो आदिवासी जो वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे जो स्वच्छता आंदोलन है, जो वर्तमान का स्वच्छता आंदोलन है वो प्राचीन में आदिवासियों ने कैसे चलाया था, पांव धोना के नाम से चलाया था, ताकि आपको आदिवासी कहने में जो भारत का मूल निवासी कहने पे गर्व महसूस हो। कुछ लोग हैं, मैं सारे समाज बंधुओं की बात नहीं करूंगा, कुछ लोग हैं जो अपने आप को आदिवासी कहने में शर्म महसूस करते हैं। मैं उनके लिए खास तौर से वीडियो लाता हूँ कि जो प्राचीन में हमारे जो पुरख के दादा थे वो किस तरह से वर्तमान की जो सिचुएशन हम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनको किस तरह से वो चलाते थे, किस तरह से अपना ब्रांड बनाते थे, किस तरह से प्रदूषण, एक इस वीडियो में मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया है, एक प्रदूषण को लेकर भी एक रीति रिवाज था हमारे आदिवासियों के बीच में, तो वो मैं इस वीडियो पर ज़्यादा लंबा होने के कारण उसको मैं छोड़ दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको कंप्लीट करूँ। तो दोस्तों जो प्राचीन सत्ता थी, जो प्राचीन रीति रिवाज थे, उनका जो नवीनीकरण है वो हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन वो है ज्यों का त्यों, वही नियम और कायदे हैं वैसे के वैसे ही उसे सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए NH.U।